वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष आठवीं बार की पी बोर्ड की परीक्षा के कुछ प्रश्न जो है उसको मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए आज पी बोर्ड के हिंदी का जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो गद्यांश है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं केवल इसका यहाँ पर उत्तर देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, झरने का आगे दिखाई देता है, तो झरने का आगे घाट, घाटी, पहाड़, नदी उपयुक्त सभी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, नदी को कौन ललकार रहा है, तो नदी को पहाड़ ललकार रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की, प्रकृति या परमात्मा ने। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें एक पत्र है, इस पत्र का जो उत्तर यहाँ पर होगा वो मैं उसके उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इसका पहला का उत्तर जो हो जाएगा महाशय या महोदय, इसका उत्तर महाशय या महोदय हो जाएगा। अगला उत्तर जो इसका होगा पंख होगा, और इसका अगला हो जाएगा मौलिक। इसके आगे फिर हमारा गद्यांश है, इसका केवल उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो पड़ोसी का महत्व। अगला प्रश्न हमारा है आठवां नंबर, कि पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं, पड़ोसी हमारा साथ सुख दुख जन्म तथा विवाह सभी में देते हैं, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर। शीर्षक कहानी में बालक के किस गुण की या गुणों को उभारा गया है, तो वह साहसी था, स्वावलंबी था, मातृभक्त था, माँ का सेवा करने वाला था, इसलिए इसका उत्तर सभी विकल्प सही हैं। पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहता है, यह करने कहता है क्योंकि पद की पहचान करने से सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसान हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 11वां नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ का सम्राट थे, तो अशोक मगध के सम्राट थे। इस अशोक को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण था, इसका कारण अंधविश्वास हो जाएगा। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य से लिया गया है, यह रामचरितमानस से लिया गया है। यह 15वीं शताब्दी में लिखा गया एक काव्य है जिसकी रचना तुलसीदास ने की थी। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, प्रकृति का दोहन तथा प्रकृति का प्रदूषण, ये दोनों विकल्प सही हैं। अपराजिता शीर्षक कहानी में अपराजिता कौन है, तो लेखिका शिवानी। इसका उत्तर होगा भीगी बिल्ली बनना। मुहावरे का अर्थ है डर जाना। परोपकार का संधि विच्छेद है, तो परोपकार का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार होगा। विलोम शब्द युग्म लिखिए या विलोम शब्द युग्म चुनिए, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा, ये सही है। जबकि आकाश और अंबर ये पर्यायवाची शब्द हैं, पृथ्वी और धरा ये जमीन के पर्यायवाची शब्द हैं, चरण और पादुका पाँव के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विष का अर्थ होता है जहर, पॉइजन, तो विष का जहर कहेंगे, गरल कहेंगे, हलाहल कहेंगे, तो विष का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। लेकिन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया, तो अमीय होगा, अमीय मतलब अमृत हो जाएगा, तो इसका उत्तर अमीय हो गया। आज मैंने आपके समक्ष हिंदी की प्री बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम परीक्षा ली गई है उससे संबंधित प्रश्न को मैंने आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में
इंग्लिश और अन्य विषय जो हैं उसको आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।